पालक 80 रुपये 80 रुपये किलो बापरे का बोलो बोला 50 रुपये पालक इंदा रे खरं घेऊ वाली रे हो का सांगितलं तुम्ही मला दोस्तों ये पूरी की पूरी गोभी ले ली हमने 17 रुपए किलो के हिसाब से जितना भी मेरे पास लेना था ले लिया 3 कट्टे बैगन के लिए दोस्तों हमने वांगे लग्नाचे हिरव्या देताचे म्हणे भेटाचे म्हणे सारा बाजार यश बाजार बहुत फट गया यार भाई। देखो दोस्तों फट गया बोलते बाजार आज का। दोस्तों स्वागत है फिर से आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज आए हैं हम सावनेर मंडी नागपुर में। अभी बज रहे सुबह के 6। तो अभी हमने कल जो है टमाटर के कैरेट वगैरह लिए थे, तो दलाल को टमाटर के कैरेट वापस कर देंगे और लेंगे वेजिटेबल्स। और टमाटर का भाव भाई? टमाटर 700 रुपये कैरेट। 700 रुपये कैरेट। हाँ टमाटर 550 हमारा 550 प्योर माल है 600 भाव टकला पूरे 12 रुपए 1 किलो किड़क नहीं बेटना टमाटर को बोला टमाटर पूरे अरे 4 कमीज के मार ले क्या बड़ा लो बोलो 860 रुपए हाँ मानी काका बोलो 860 रुपए बोलो 860 रुपए बोलो 860 बोलो 860 850 रुपए चौड़ा करूँ मेरे एक डरे पंद्रह किलो चौड़ा। दोस्तों ये पूरी की पूरी गोभी ले ली हमने 17 रुपए किलो के हिसाब से। तो देखो अभी ये सब काउंट करेंगे। दोस्तों अभी पालक की गाड़ी आई, देखेंगे क्या रेट जा रही है। तो पालक बहुत शानदार पालक है दोस्तों। क्या भाव भाव और पालक जबरदस्त है। पालक 80 रुपए 80 रुपए किलो बापरे क्या बोलो बोला 50 रुपये पालक इंदा रे खरं घेऊ वाली रे हो का सांगितलं तुम्ही मला कोणते डॉलर आहे अरे बापरे बापा हाय डॉलर आहे बाया गेले उकडले मा भेटली का नाही पालक तुले मा दुकानात शेवट नाही दिल्ली नाही दिल्ली कधी सकाळी मला पालक ना आता पण असा आहे नसीब पाहिजे अरे पिवर पालक उन्हात का लावले बोलो 50 हो गए 50 रुपए में मांग लिया पाले हेलो 40 रुपए पूरी लग कर ले 40 मनी पूरी 80 रुपए 40 रुपए बस तो 60 रुपए किलो लगी है पालक। तो 10 किलो रखेंगे ये वाली पालक अभी ये हो रही दोस्तों 10 किलो पालक तो ये पालक 60 रुपए किलो लगी तो 10 किलो पालक 600 रुपए की हो रही दोस्तों। तो हमने 600 रुपए की पालक ले ली। तो अभी जितना भी मेरे पास लेना था ले लिया 3 कट्टे बैगन के लिए दोस्तों हमने 1 कट्टा जो है करेले के लिए 55 रुपए किलो करेला लिया और मिर्ची पता नहीं कैरेट लगाई तो और 30 रुपए किलो चौलाई फली ली और पालक ली दोस्तों 60 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो और वो गोभी ली 18 रुपए किलो के हिसाब से। अभी दोस्तों जितना भी वेजिटेबल्स लिया हमने वो सब हम लोड करेंगे अपने टाटा एस में, उसके डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों आपको मार्केट में। अभी दोस्तों हम मार्केट में जा रहे हैं तो बारिश चालू हो गई तो अभी मार्केट में जाके बारिश रुकने को होना नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा।
क्योंकि 11,000-12,000 की खरीदी है हमारी वाली। तो आ गए दोस्तों हम बाजार में, तो बाजार में आने के बाद यहाँ पर भी दोस्तों बारिश चालू है अभी। तो ये है हमारी टाटा एस, तो टाटा एस में ऐसा हमारा माल रखा हुआ है। तो अभी हम बाजार में आ गए, तो बारिश चालू है। तो आज की खरीदी हमारी 18,400 रुपये की थी, 415 रुपये की थी दोस्तों। और गांव में भी हमको भिंडी मिली थी, भिंडी मिली थी, उसके अलग पैसे हो रहे दोस्तों। यानी कि हमारे 11-12,000 रुपये के सब वेजिटेबल्स थे। तो अभी ये बारिश चालू है, तो देखेंगे बारिश ख़त्म होने के बाद दुकान लगाएंगे। तो ये अपनी जगह दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे दुकान अभी। तो अभी बारिश चालू है, तो देखेंगे कैसा होता बाजार। तो अभी आज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है हमने, 11,000 रुपये की खरीदी हमारी। गुल्लू भैया सब माल क्या रेट बेच रहे हैं? सब माल 20 रुपये पाओ। देखो गुल्लू भाई की दुकान दोस्तों, भिंडी वगैरह सब माल लाया है, तो सब माल 20 रुपये पाओ बेच रहे हैं। तो सब माल सभी लोग 20 रुपये पाओ ही बेच रहे हैं दोस्तों। इतनी बड़ी दुकान है दोस्तों आज। देखो वहाँ तक टमाटर तक, ये मेरा भाई है बड़ा भाई, तो हम दोनों मिलके इतना सारा वेजिटेबल्स बेचते हैं दोस्तों। खर्च के लिए ना 10-12 लाख रुपये खर्च के लिए माल चोरी जाते ना म्हणून लावा लागते। तुम्ही घ्या लावतो, तुम्ही द्यायचं। हा सांगा 30, 40, 70, 70 आणि 20, 90 अजून वांगे मी काहीच नाही, वांगे जेवढ्या 20 रुपये पाव। चॉकलेट वांगे लग्नाचे हिरव्या देताचे म्हणे भेटाचे म्हणे 20 रुपये पाव। तवा जेवा ते काटे 20 रुपये।
वांगे लग्नाचे वांगे लग्नाचे वांगे लग्नाचे और कुछ है ना, मिर्ची वगैरह? अरे यार बैगन तो मुझे भाव ये करेले करेले भैया 20 रुपए पाव, आधा किलो 40 ही आएगा भैया। दोस्तों अभी अच्छा खासा बाजार चालू था तो बारिश ने दोस्तों ऐसी की तैसी कर दी, तो आपको दिखाते हैं हमारा माल। ये देखो दोस्तों मेरा भाई पैसे गिन रहा अभी, तो बारिश चालू ही है। देखो बारिश, एक किलो दस का, एक किलो दस का, एक ये तो सर अपना माल फट गया बाजार। चल दोस्तों आज का बाजार पूरा फट गया, 11,000 की खरीदी थी तो अभी देखेंगे कितना प्रॉफिट निकला है, क्या निकला है, क्योंकि बारिश ही आ गई तो अभी पूरा ग्राहक वाहक कम हो गए पूरे बारिश की वजह से। अगर बारिश नहीं आती तो बहुत अच्छा खासा हमारा सेल हो जाता, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता, क्योंकि बहुत अच्छा बारिश आने से पहले बहुत अच्छा खासा ग्राहक चालू था, तो बारिश आ गई तो थोड़ा काम थोड़ा भटक गया दोस्तों। तो अभी देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ था। दोस्तों अभी बाजार पूरा खत्म हो गया, ग्राहक भी कम हो गए, अभी टाइम ही हो गया दोस्तों बंद करने का, तो अभी देखेंगे मेरे भाई को पूछेंगे कैसा रहा बाजार, तो मेरे मासी के लड़के को कैसा रहा बाजार। यश बाजार बहुत फट गया यार भाई। देखो दोस्तों फट गया बोलते बाजार आज का, आज क्योंकि बारिश आ गई, बारिश आ रही है, सवेरे से बारिश आ रही थी, तो बारिश की वजह से पूरा नुकसान तो नहीं हुआ, पर बारिश आई इसलिए हाँ आप देख सकते हैं, देख लो बहुत जनों पे माल पड़े हैं क्योंकि बारिश ही ऐसी आई कि एकदम ग्राहक के टाइम पर ही बारिश आ गई, तो सबके माल जो है बच गए दोस्तों। तो अभी कल है 15 अगस्त, तो देखेंगे 15 अगस्त को कैसा होता है सेल बाजार, तो जो कुछ दोस्तों हमारा वेजिटेबल्स बचा है दोस्तों वही बेचेंगे, क्योंकि 15 अगस्त है तो कल का भी बाजार कुछ अच्छा नहीं होगा। देखो कल का मार्केट बंद है बोलते दो दिन मार्केट बंद है बोलते, तो हमारे पास जितना भी वेजिटेबल्स अभी बचा है वो वाला ही बेचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहा दोस्तों आज का बाजार, क्योंकि बारिश आ गई इसलिए पूरा बाजार की ऐसी की तैसी होगी, फिर भी देखेंगे कल बेचेंगे, 15 अगस्त है कल, तो कल भी अच्छा बाजार नहीं होगा क्योंकि सब अपने जश्न में रहते हैं। तो दोस्तों यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों आज जो है मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं आया क्योंकि आज मुझे जगह ही नहीं मिली दोस्तों वीडियो में आने के लिए, क्योंकि मेरे भाई को ही दिखाया मैंने आज वीडियो में, तो चौला